गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है विसल ब्लोइंग। सो बिजनेस एथिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है विसल ब्लोइंग। सो बेसिकली विसल ब्लोइंग होता क्या है, अगर हम वर्ड के एक लेमैन टर्म में बात करें तो विसल मीन्स सिटी और ब्लोइंग मतलब बजाना, सिटी बजाना। अब क्यों सिटी बजाई जाती है, क्यों बजाई जाती है, जब आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जो है सिटी का यूज करती है, क्यों बजाई जाती है, जब किसी चीज को किसी ट्रैफिक को रोकने के लिए या किसी काम को आगे बढ़ने के लिए रोकना हो, है ना। सो इन द सेम वे बिजनेस में भी विसल ब्लोइंग क्यों यूज किया जाता है। विसल ब्लोइंग बेसिकली जो रॉन्ग मिसकंडक्ट है अगर उसको फाइंड आउट कर लेता है कोई, है ना, सो उसको रोकने के लिए विसल ब्लोइंग का यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, विसल ब्लोइंग एक ऐसी टेक्निक बोल सकते हैं कि है ना, जिससे किसी में किसी भी कंपनी में हो रहे फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करना है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है ना। देन ये जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत ही लीडिंग टूल है ना, जो कि बेस्ड है डेटरेंस पे और किस पे और प्रिवेंशन पे। सो बेसिकली विसल, और अगर मैं बात करूं विसल ब्लोअर, तो विसल ब्लोअर कौन हुआ, है ना, जो विसल को बजाएगा, है ना, मतलब जो ये फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, जो ये काम करेगा, है ना, जो ये फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, है ना, जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट होगा, सो वो पर्सन क्या कहलाएगा, विसल ब्लोअर कहलाएगा। ठीक है, सो विसल ब्लोइंग और विसल ब्लोअर कहलाएगा। सो पर्सन हुआ विसल ब्लोअर। नाउ अगर हम बात करें विसल ब्लोइंग की, सो बेसिकली विसल ब्लोइंग क्या चीज है, बेसिकली विसल ब्लोअर जो फर्स्ट टर्म जो है डिस्कस की गई थी, विसल ब्लोअर फर्स्ट डिस्कस्ड, फर्स्ट डिस्कस्ड किसने किया था इसको, बाय डी डॉजेट डॉजेट जे ने, और ये किया था इन केस ऑफ विंटर बी हॉडसन क्रॉनिकल क्रॉनिकल पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये टर्म जो थी फर्स्ट डॉजेट जे ने यूज की थी इन केस ऑफ विंटर बी हॉडसन क्रॉनिकल पब्लिक कॉर्पोरेशन में। सो बेसिकली ये जो टर्म है विसल ब्लोअर, ये ड्राइव की गई है जो यूएसए में बोलता है इंग्लिश बॉबीज होती थी। सो बेसिकली इंग्लिश बॉबीज बट इज इंग्लिश बॉबीज, ये जो टर्म ड्राइव की गई है ये इंग्लिश बॉबीज के से ड्राइव की गई है। इंग्लिश बॉबीज मतलब ऐसी जो कॉप थे, है ना, जो कि विसल बजाते थे, है ना, और ऐसे पर्सन थे जो विसल बजाते थे। इंग्लिश बॉबीज मतलब एक कॉप थे, हु वुड ब्लो देयर विसल, है ना, जो कि क्या करते थे कि विसल ब्लॉक करते थे, सिटी बजाते थे जब वो कोई ऐसी क्राइम देख लेते थे। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, विसल ब्लॉइंग जो है वो क्या है कि किसी भी तरह का फ्रॉड या किसी भी तरह का क्राइम हो रहा हो तो ऐसा पर्सन जो उसका इंडिकेट कर दे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो काम ना, और पर्सन जो है वो पब्लिकली उसको बता दे कि ये लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं, उसको हम विसल ब्लोइंग बोलते हैं। नाउ अब बात आती है कि विसल ब्लोइंग होती कब है। सो जब कोई पर्सन जो है वो या वर्कर जो है अपनी रिपोर्ट में क्या करता है, सस्पेक्टेड हो जाता है कि वो रॉन्ग डूअर है। ठीक है, रॉन्ग डूअर है मीन्स क्या हुआ, रॉन्ग डूअर का मतलब कि उसने गलत काम कर रहा है
तो वो क्या है, वर्क रिपोर्ट्स में अपनी ये बता देता है, और जो पर्सन ऑफिशियली, वो क्या है, जो पर्सन ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज कर देता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जिसको हम बोल सकते हैं मेकिंग ए डिस्क्लोजर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इस है ना। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं व्हिसल ब्लोइंग, और जो ये पर्सन ब्लो करता है उसको हम बोल देते हैं व्हिसल ब्लोअर बोल देते हैं, ठीक है। सो इट मींस क्या हुआ, व्हिसल ब्लोइंग क्या हुई कि एक्सपोजिंग एंड एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग टू आउटसाइड सच एज मीडिया और गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज। सो ऐसा पर्सन जो व्हिसल ब्लोअर है वो क्या करता है कि किसी पर्सन की रॉन्ग डूइंग जो है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है ना, और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बता देता है, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी को बता दे चाहे वो अपने एम्प्लॉयर को बता दे, उसको हम व्हिसल ब्लोइंग बोल देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं जेम्स की बात करूं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जेम्स ने डिफाइन किया था व्हिसल ब्लोइंग को, एन अटेम्प्ट बाय एन एम्प्लॉई और फॉर्मर एम्प्लॉई। तो ये क्या है, एक अटेम्प्ट है, एक कार्य है जिसमें हम एक एम्प्लॉई या फॉर्मर जो पहले एम्प्लॉई रहा हो, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज, मतलब कि बताना, ठीक है, डिस्क्लोज व्हाट ही और शी बिलीव्स टू बी रॉन्ग डूइंग इन और बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में था या अभी भी हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही है, गलत काम हो रहा है ना, या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया जा रहा है ना। सो उसको हमने क्या बोल दिया, व्हिसल ब्लोइंग बोल दिया। तो ये जेम्स की डेफिनेशन थी। नाउ व्हिसल ब्लोअर जो कौन है, एक पर्सन जो एक्सपोज करता है कि ये कंपनी जो है वो डिसऑनेस्टी या इलीगल एक्टिविटी या रॉन्ग डूइंग, कोई ऐसा काम, मिसकंडक्ट का काम कर रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि व्हिसल ब्लोअर का काम ये होता है। सो वो क्या बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉयलेशन ऑफ लॉ हो गया, या रूल्स रेगुलेशंस हो गए, है ना, या पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए सीधे डायरेक्ट थ्रीट नहीं करता है कोई, फ्रॉड हो गया या हेल्थ और सेफ्टी की वॉयलेशन होगी, है ना। सो बेसिकली ये व्हिसल ब्लोइंग के अंडर आती है। सो ये क्या है, एक पर्सन व्हिसल ब्लोअर जो है वो ये काम करता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीजें एक्सपोज कर देता है, पब्लिकली डिस्क्लोज कर देता है कि इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ना। सो बेसिकली कि जो ये एक वर्कर जो है ना, वो किन किन चीजों की रिपोर्ट जर्नली दे सकता है कि ये इलीगल एक्टिविटीज हैं या ये बिल्कुल सही एक्टिविटीज नहीं है। सो वो हो सकता है समवन हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई डेंजर हो सकता है, या एनवायरनमेंट को कोई ऑर्गेनाइजेशन डैमेज कर रही है बट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है, कोई क्राइम कर रही है जो कि बाहर नहीं पता है, या फिर लॉज को, वो जो लेबर लॉज हैं या कोई भी लॉज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर रॉन्ग डूइंग, है ना, किसी भी तरह की रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने का तरीका जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो व्हिसल ब्लोइंग एक्टिविटीज में आते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिसल ब्लोइंग। कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ व्हिसल ब्लोइंग, कि व्हिसल ब्लोइंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो जो ऐसा मैटर जो सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस का हो, बहुत ही जरूरी हो, इंपॉर्टेंस का हो, सब मैटर ऑफ सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस टू पब्लिक, ऐसा मैटर दैट ऑफ सब्सटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंस का हो पब्लिक का,
और ये जो है ये फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ विसल ब्लोइंग, ये विसल ब्लोइंग के अंदर आ जाएगा, है ना। ऐसा मैटर जो पब्लिक के इंटरेस्ट का है, मगर अगर इसमें कोई गलत काम होता है ना, और कंपनी जो है पूरा का पूरा मैटर, सब्सटेंशियल मैटर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो विसल ब्लोइंग एक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट रॉन्ग डूइंग डिस्क्लोज इन पर्सनल इंटरेस्ट, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो गया, पब्लिक ना होते वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो गया, तो वो क्या है, विसल ब्लोइंग एक्ट के अंदर नहीं आता है। नाउ सेकेंड इज, ठीक है, विसल ब्लोइंग का काम जो है फॉर्मर या करंट इंप्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का कर सकता है, ठीक है। बट अगर ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज बाय आउटसाइडर, कोई आउटसाइडर डिस्क्लोज करता है, कंपनी का इंप्लॉइज जो है वो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है, मगर बाहर का कोई बंदा जैसे मीडिया पर्सन हो गया या सोशल सोशल मीडिया हो गया या सोशल एक्टिविटीज ये करते हैं, है ना, तो ये विसल ब्लोइंग में काउंट नहीं होता है, राइट। देन विसल ब्लोइंग जो है वो अप्रोप्रिएट मॉरल मोटिव के साथ की जाती है ना, कि उससे क्या होगा कि इन द नियर फ्यूचर, है ना, जो ये कंपनीज हैं ये प्रॉपर लॉज को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, मॉरल मोटिव्स को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर कोई भी मैटर जो है वो डिस्क्लोज किया जाता है फॉर लीगल पर्पजेस के साथ जो है वो डिस्क्लोज किया जाता है मैटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैटर जो है लीगल पर्पस के साथ डिस्क्लोज किया जाता है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज विसल ब्लोइंग, उसको नहीं कर सकते बिकॉज लीगल पर्पस के लिए। बट हाँ, एक बात है कि अगर वॉलंटियर डिस्क्लोजर है या लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, इसका फाइंड आउट करना या अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज जो है वो विसल ब्लोइंग के अंडर आएगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विसल ब्लोअर, सो विसल ब्लोइंग के कैरेक्टरिस्टिक किए हमने, अब नाउ विसल ब्लोअर के बारे में करेंगे, राइट। सो विसल ब्लोअर कौन हुआ, विसल ब्लोअर बेसिकली वो पर्सन जो ये विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज को का काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो विसल ब्लोअर क्या एक पर्सन हुआ जो फॉर्मर इंप्लॉय हो सकता है या करंट इंप्लॉय हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सेकेंड इज ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विसल ब्लोअर होता है वो कहीं ना कहीं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने ये विसल ब्लोइंग का काम किया है, कहीं ना कहीं ये जो विसल ब्लोअर है ना, इसको कहीं ना कहीं जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी और सिक्योरिटी को भी रिस्क पे रख के ही ये काम करना पड़ता है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विसल ब्लोअर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सो दैट कि उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को सही किया जा सके, सो दैट इज विसल ब्लोइंग, ठीक है। सो विसल ब्लोइंग जो है बेसिकली एथिकल वैल्यू के साथ कंसर्न है, सो ये क्या है, जो विसल ब्लोअर है ये हाई प्रोफेशनल पोजीशन का पर्सन होता है जनरली, और कहीं ना कहीं इसको सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रिस्क से गुजरना पड़ सकता है। नाउ ये वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वर्क प्लेस एरिया की अच्छी पोजीशन पे होते हैं, जो कि वहां की इंफॉर्मेशंस बता सकते हैं। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विसल ब्लोअर। नाउ कम्स टू द पर्पस ऑफ विसल ब्लोइंग, सो आपके अकॉर्डिंग क्या पर्पसेस लगते हैं कि क्या पर्पसेस हो सकते हैं, क्या पर्पस हो सकता है विसल ब्लोइंग का, क्या पर्पस हो सकता है, पर्पस क्या पर्पस हो सकता है। सो बेसिकली विसल ब्लोइंग का अटेंशन है कि कोई भी अनएथिकल, अनअप्रोप्रिएट, है ना, या इनकम्पिटेंट कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, जिससे कि क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो,
ठीक है, इंस्टीट्यूट की कोई रेपुटेशन डाउन हो, है ना। सो ये फाइंड आउट करना एक विसल ब्लोअर का काम है, और पर्पज यही है कि अनएथिकल और अनअप्रोप्रिएट काम ना हो। सेकेंडली ये बोलता है कि ठीक है, इसमें ये बिलीव किया जाता है कि जो ये हार्मफुल इम्पैक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, जिससे क्या है उसकी परसेप्शंस जो है लोगों के माइंड में खराब होगी। तो ये जो है विसल ब्लोइंग का क्या है बेसिकली पर्पस है। नाउ टाइप्स, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, टाइप्स किसके टाइप्स। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज इंटरनल, फर्स्ट इज इंटरनल इंटरनल विसल ब्लोइंग, ठीक है। सेकेंड इज एक्सटर्नल ड्रॉइंग, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल फोर्थ वन इज एनोनिमस विसल ब्लॉइंग, द फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग, एंड द लास्ट वन इज कॉरपोरेट है। सो वन बाय वन वी डिस्कस कि ये सिक्स टाइप की विसल ब्लोइंग्स होती है। सो सिक्स टाइप की विसल ब्लोइंग में सबसे पहला जो हमारे पास है वो दैट इज इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या हो सकती है, इसमें कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं वही रिवील कर देते हैं कि ये काम जो है इनअप्रोप्रिएट या रॉन्ग डूइंग यहाँ पे हो रही है। सो इंटरनल, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग में आपके जो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, है ना, या रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, वो बताएंगे कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रॉन्ग रॉन्ग वर्क कर रही है, इनअप्रोप्रिएट वर्क कर रही है, ठीक है। ठीक है, पर्सनल विसल ब्लोइंग, पर्सनल विसल ब्लोइंग में क्या है, यहाँ पे चार्ज जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ना होके किसी इंडिविजुअल या पर्सन पर्टिकुलर पे ये चार्जेस होते हैं कि वो अनएथिकल वर्क कर रहा है। सो पर्सनल विसल ब्लोइंग। नाउ एनोनिमस, एनोनिमस में क्या है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जो है ये रिवील कर देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है वो अनएथिकल वर्क कर रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बट उसका नाम नहीं शो किया जाता है ना, ताकि क्या हो ना उसकी एक सीक्रेसी बना के रखी जाती है कि इस क्या बोलते इसमें क्या है बेसिकली नाम नहीं शो किया जाता है। सो विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है। देन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रिवील कर देता है। एंड द कॉरपोरेट, कॉरपोरेट में डिस्क्लोजर मेड बाय रॉन्ग डूइंग प्रैक्टिसेस इन ए बिजनेस, किसी बिजनेस में कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है तो वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ही कॉरपोरेट के लोग जो है रिवील कर देते हैं कि कोई जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आज हमने किया कि विसल ब्लोइंग क्या है, बेसिकली विसल ब्लोइंग क्या है कि जो भी है डिस्क्लोजर कर दिया जाता है इन द इंटरेस्ट, जो काम अनएथिकल है और
पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको डिस्क्लोज करना ही विसल ब्लोइंग है, और जो पर्सन ये काम करता है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। देन उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स की कि विसल ब्लोइंग में क्या क्या चीजें कवरअप होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं कवर होती, विसल ब्लोअर्स के करेक्टरिस्टिक्स किए। नाउ हमने टाइप्स किए लास्ट में, दैट इज इंटरनल, एक्सटर्नल, पर्सनल, एनोनिमस, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। ठीक है, सो दीज आर द टाइप। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे विसल ब्लोइंग पॉलिसी एटसेट्रा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज मेरे चैनल को चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू।